नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 15 सूत्री मांगों को लेकर जनाधिकार पंचायत राज संगठन के तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 15 सूत्री मांगों को लेकर जनाधिकार पंचायत राज संगठन के तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कॉलेज चौराहा स्थित कॉफी हाउस में किया गया। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संगठन के अध्यक्ष विकास तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पंचायत राज जनाधिकार में पधारे सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे सहयोगी के रूप में पधारे हुए सरपंच प्रतिनिधि बड़े भाई अवधेश तिवारी जी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवेन तिवारी जी, नटवर तिवारी जी, रामानुज सरपंच जी और सारे जिला पंचायत साथी, जनपद पंचायत सदस्य साथी, अन्य जनपद अध्यक्ष साथी, सभी को मैं इस सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं कि सब लोग आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दिया, सहयोग किया। मूलतः आज हम सबने एक संगठन तैयार किया है पंचायत राज के अधिकारों के लेके। ये मूलतः प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिस संगठन का नाम रखा गया है जन अधिकार पंचायत राज, जनता के अधिकार के लिए पंचायत राज के कार्य में हम सब सजगता से करना चाह रहे, जिसमें पंच स्तरीय, जनपद सदस्य स्तरीय, जिला पंचायत सदस्य स्तरीय और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों संबंधित जो मांगे हैं, जो अधिकार हमको चाहिए उसके संबंध में हमारी ये मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके संबंध में दिनांक 14/12/2022 को समय 11:30 शिव मंडप मैरिज गार्डन इटौरा बाईपास के पास पंच सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष साथियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है और जिसमें पूरे बिंद, पूरे मध्य प्रदेश के जनपद अध्यक्ष इकट्ठा हो रहे हैं। जिस आयोजन पे हम सब कार्य की रूपरेखा बनाएंगे कि हम अपनी मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाएं। पहला माध्यम तो हमने रखा है अपने मध्य प्रदेश के, अपने रीवा से ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी के माध्यम से, उनको वहां हमने आमंत्रित किया है अपनी मांगों को बताने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम तैयार किया जिस माध्यम से वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं, आपके जो अधिकार होने चाहिए, उस अधिकार की बात को सरकार तक मैं बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करूंगा और आप सबकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आप सबको मुख्यमंत्री से मिलवाने का एवं आपकी मांग मनवाने में जो सहयोग होगा वो मैं पूरी तरह से करूंगा, मैं आपके साथ। अब मांगों के बिंदु में अगर चर्चा आप कोई करना चाहते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए 4250 जो उन्होंने किया है उस विषय में मेरा एक जवाब है। मनरेगा के मजदूर की मजदूरी है 204 रुपए। मनरेगा में एक गांव का जो मजदूर काम करता है उसको 204 रुपए मिलता है, तो सरपंच को 4250 दिया है तो मूलतः सरपंच का अपमान है। आपने भी जिला पंचायत सदस्य का नाम लिया, जनपद का सदस्य का नाम लिया, सरपंच का नाम लिया, लेकिन पंच क्या प्रतिनिधि नहीं है? नहीं, पंच का भी है इसमें। नहीं, पंच का भी है मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया? ये देखिए, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कार्रवाई है, उसमें पंच का भी लिखा हुआ है 2500 रुपए मानदेय, 500 रुपए स्टेशनरी भत्ता, कुल माह मानदेय 3000 रुपए पंच को दिया जाना चाहिए। ये हमारी पंच के लिए भी मांग है। हमारे जिले में लगभग 16,000 से 17,000 पंच हैं, जिनकी मांगों के लिए हम लोग सजगता से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और 14 तारीख को पंच सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हम अपनी बात विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।